उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनके कब्जे से लूट का माल, अवैध तमंचा, कारतूस, एक्सयूवी कार, महंगे फोन, बाइक, 22 लाख नकद और ज्वेलरी बरामद की गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार 4 अभियुक्तों में से 3 सगे भाई हैं, जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इन्होंने बीते 5 मार्च को कर्नलगंज कस्बे में से तमंचे की नोक पर सरफड़ा व्यवसायी को लूट लिया था। पुलिस ने घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल बीते 5 मार्च को कर्नलगंज कस्बे से सराफा व्यवसायी विश्वनाथ साव की दुकान से हेलमेट पहनकर आए बदमाशों ने लाखों का आभूषण और नकदी लूट लिया था। SP विनीत जायसवाल ने आनन फानन में 5 टीमें गठित की और आज 1 माह बाद पुलिस मुठभेड़ में राघवेंद्र पांडे, सतेंद्र पांडे और सूरज पांडे के अलावा असलहा मुहैया कराने वाले फरहान अंसारी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में राघवेंद्र के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कराना है कि दिनांक 5 मार्च को वादी श्री विश्वनाथ शाह द्वारा थाना कर्नलगंज पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि दिनांक 4 मार्च की रात्रि करीब 10 बजे जब बंदी के दिन वो अपनी दुकान पर बैठकर सराफे की एक हिसाब किताब कर रहे थे, उसी वक्त 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा जो हेलमेट पहनकर आए थे, तमंचे के बल पर सोने व चांदी के आभूषण लूट लिए गए तथा 1,80,000 रुपए लेकर चले गए। इस सूचना पर तत्काल थाना कर्नलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कर्नलगंज पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा SP पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें SOG और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। इन सभी टीमों के द्वारा लगातार टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इनके अथक मेहनत एवं प्रयासों उपरांत इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 1 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।